Hello everyone, a very good morning to everyone. I hope you all are good and सबने बहुत अच्छे से सेफ दिवाली मनाई है, एकदम इको फ्रेंडली दिवाली मनाई है, सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखी है, ठीक है, प्रॉपर सैनिटाइजर यूज़ किया है और प्रॉपर मास्क का यूज़ किया है. आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी हुई है गाइस. चलिए तो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. हाई एवरी वन. तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं. द ह्यूमन हार्ट, यानी हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसके बारे में. नॉर्मली दिल का शेप कुछ और ही मतलब हम लोग देखते हैं, लेकिन एक्चुअली बेटा जो दिल है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है. जो किताबों का दिल है या आपके सोशल नेटवर्किंग का दिल है, वो दिल ऐसा नहीं होता. हार्ट का शेप ऐसा नहीं होता, बायोलॉजिकल हार्ट का शेप ऐसा होता है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ह्यूमन हार्ट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ह्यूमन हार्ट. तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं. ह्यूमन हार्ट क्या है, ठीक है, कैसा दिखता है, उसके अंदर वॉल्व्स क्या क्या है, चेम्बर्स कितने होते हैं उसके, कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है, कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन, और फाइनली ब्लड प्रेशर क्या है. तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम्स एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक NTSC के लिए, ओलंपियाड्स के लिए. तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द ह्यूमन हार्ट. तो हम रेडी हैं गाइस सब, आई होप, ठीक है. तो फटाफट से हम पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में. तो यहाँ देखो एनिमेशन में कुछ ऐसे क्या होता है, सर्कुलेशन होता है ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड का, ठीक है. अब ह्यूमन हार्ट, व्हाट इज अ ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ह्यूमन हार्ट क्या है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट क्या है. द ह्यूमन हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन. पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को करता है पंप. इट इज अ पंपिंग ऑर्गन दैट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम वेन्स. वेन्स से, वेन्स जो है, ठीक है, वेन्स जो है उनसे ब्लड आता है. कहाँ आता है, हार्ट के अंदर आता है, ठीक है, एंड पंप्स, एंड, ठीक है, एंड पंप्स इट इन टू द आर्टरीज. और आर्टरीज के थ्रू कहाँ चला जाता है, हार्ट से बाहर. तो डीऑक्सीजनेटेड हम कह सकते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर सर्कुलेट करता है. तो कहाँ से रिसीव करता है हमारा हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से रिसीव करता है, वेन्स के थ्रू रिसीव करता है, लंग्स से, ठीक है, लंग्स से रिसीव करता है वेन्स के थ्रू, और आर्टरीज के थ्रू क्या कर देता है, उस ब्लड को कहाँ दे देता है, किसमें दे देता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर. तो वेन्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो आर्टरीज के थ्रू चला जाता है. कहाँ चला जाता है, कहाँ, बॉडी ऑर्गन्स में. तो ये हुआ हार्ट का काम. इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स जो हैं वो स्पेशल टाइप की मसल्स हैं जिनमें के टिश्यूज में सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है. दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स. और पूरे हमारी ह्यूमन बॉडी में कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है. बहुत फ्लेक्सिबल मसल्स हैं जो हार्ट में पाई जाती हैं. तो हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड दी कार्डियक मसल्स. उनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स. अब हमारा हार्ट कहाँ सिचुएटेड है, जहाँ वो सिचुएटेड है उसको कहते हैं थोरैकिक कैविटी. ये वाली जो है, ये कैविटी जो है, ये है थोरैकिक, ठीक है, कैविटी. ये क्या है, थोरैकिक कैविटी है. तो थोरैकिक कैविटी में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है सिचुएटेड, विच लाइज अबाउट द डायफ्राम बिटवीन द टू लंग्स. लंग्स के बीच में जो डायफ्राम है उसके जस्ट अबाव होती है थोरैकिक कैविटी, जहां पर हार्ट सिचुएटेड है, ठीक है. यहां पर ये किसमें इंक्लोज्ड है, एक डबल वॉल्ड, डबल वॉल्ड की मेम्ब्रेन है जिसको पेरिकार्डियम. ये जो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है, डबल वॉल्ड की मेम्ब्रेन होती है, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम. तो हमारा जो हार्ट है इस पेरिकार्डियम से सराउंडेड है, मतलब ये डबल वॉल की मेम्ब्रेन है हमारे हार्ट के ऊपर, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं. तो ये हो गया ह्यूमन हार्ट का इंट्रोडक्शन. तो ऐसे ह्यूमन हार्ट क्या करता है, पंप इन पंप आउट करेगा, इस जगह थोरैकिक कैविटी में सिचुएटेड होता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, हम हार्ट के चेम्बर्स की बात करेंगे. हार्ट के चेम्बर्स जो हैं, बेसिकली देयर आर फोर चेम्बर्स. कितने हैं, फोर चेम्बर्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो इंटीरियर जो है हार्ट का वो चार चेम्बर्स में डिवाइडेड है,
ठीक है, विच रिसीव द सर्कुलेटरी ब्लड, जिन जो क्या करते हैं सर्कुलेटरी ब्लड को रिसीव करते हैं, ठीक है, यहीं से गुजरता है ब्लड, इन्हीं आर्ट्रियम जो हैं और वेंट्रिकल्स जो हैं, इन्हीं चेम्बर से ब्लड क्या होता है गुजरता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप का ब्लड यहीं से गुजरता है, ठीक है, तो चेम्बर्स हैं, ठीक है, तो अब ऑरिकल्स यानी ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम एंड राइट ऑट्रियम, दैट इज ऑरिकल्स, द टू सुपीरियर चेम्बर, जो सुपीरियर है ऊपर की तरफ ये जो चेम्बर आप देख सकते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम, तो ये जो सुपीरियर चेम्बर्स है इनको कहते हैं लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम को हम कहते हैं लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स, द ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड द इंटर आर्ट्रियल स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये किससे सेपरेटेड है, ये किससे सेपरेटेड होते हैं, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, मतलब एक पार्टीशन है किसके बीच में, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स के बीच में एक पार्टीशन है जिसको हम क्या कहेंगे, इंटर आर्ट्रियल क्या बोलेंगे, सेप्टम, ठीक है, फिर वेंट्रिकल्स की बात करें, जो ये नीचे द टू इंटीरियर चेम्बर्स, जो ये नीचे की तरफ चेम्बर्स हैं, ठीक है, इन दोनों को हम कहते हैं राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, क्या कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये क्या है, वेंट्रिकल्स है जिनको राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो कहां सिचुएटेड है, इंटीरियर पार्ट में, और ये किससे सेपरेटेड है, ये है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड, किससे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड होते हैं, तो लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम तो किससे सेपरेट होंगे, इंटर आर्ट्रियल, किससे, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम से, और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल किससे सेपरेटेड होंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से, तो इंटर आर्ट्रियल और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ये करते हैं, सेपरेट करते हैं लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स को, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ये क्या है, हार्ट के चेम्बर्स है। आगे बढ़ते हैं, वॉल्व्स के बारे में बात करेंगे कि वॉल्व्स क्या है, ठीक है, वॉल्व्स क्या है, मस्कुलर फ्लैप, फ्लैप नहीं होता है, फ्लैप, मस्कुलर फ्लैप्स जो ओपन और क्लोज हो सकते हैं, फ्लैप्स जो ओपन और क्लोज हो सकते हैं, ऐसे फ्लैप्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं द ब्लड टू फ्लो बैक थ्रू इट, मतलब वॉल्व्स क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है अगर इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो बैकवर्ड ना क्या करे, मुड़े, तो जो ब्लड का फॉरवर्ड फ्लो है उसको मेंटेन करने के लिए, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने कि भाई पीछे की तरफ ना ब्लड फ्लो हो, तो वॉल्व्स लगे होते हैं कहाँ पर, हार्ट के अंदर, तो हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है ऑर्टा के थ्रू, ये जो ऑर्टा है इसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड आता है, और कहाँ से, लंग्स से, लंग्स से ऑर्टा के थ्रू आता है, ठीक है, और वेना कावा के थ्रू बॉडी में क्या, और वेना कावा के थ्रू क्या होता है, ऑर्ट्रा से आता है और वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, क्या होता है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाता है, ठीक है, तो ऑर्ट्रा से तो क्या होता है, ऑर्ट्रा से तो लंग्स, लंग्स के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वेना कावा से कहाँ जाता है, लंग्स तक जाता है, क्या होने के लिए, प्योरीफाई होने के लिए, तो ऑर्ट्रा इनकमिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, और वेना कावा यानी आउटगोइंग होगी, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, कहाँ जाएगा, लंग्स को जाएगा, किस लिए जाएगा, ऑक्सीजनेटेड यानी प्योरीफाई होने के लिए, ठीक है, लंग्स प्योरीफाई करने का काम करते हैं, ठीक है, तो ये है वेना कावा एंड ऑर्ट्रा का काम है, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये वॉल्व्स कौन कौन से, ठीक है, वॉल्व्स कौन कौन से देखेंगे, पहला तो है द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स यानी ए वी वॉल्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए वी वॉल्व, ठीक है, ए वी वॉल्व होते हैं, दीज वॉल्व सेपरेट द आर्ट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, किसको, आर्ट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करते हैं, आर्ट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करते हैं, ताकि क्या ना हो, बैकवर्ड फ्लो ना हो ब्लड का, तो ये क्या करेंगे, एवी वॉल्व्स क्या करेंगे, दे सेपरेट द आर्टिया फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, ठीक है, द राइट साइड ऑफ द हार्ट प्रोसेसेस द ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट साइड में क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट प्रोसेसेस द बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, और द
मिट्रल वॉल्व, ये है यहाँ पे है बाइकस्पिड वॉल्व, यानी कि मिट्रल वॉल्व नीडेड टू अवॉइड बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इन द चेम्बर ऑफ हार्ट. बैकवर्ड फ्लो को मतलब यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व लगा है, तो जो ब्लड फ्लो कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो बैकवर्ड लेफ्ट आर्ट्रियम में ना जाए. तो लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम में ना जाए, बैकवर्ड फ्लो ना हो, तो यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व इसको इंश्योर करेगा. और यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्या इंश्योर करेगा कि भाई जब राइट वेंट्रिकल से राइट आर्ट्रियम ब्लड जा रहा है तो बैकवर्ड फ्लो ना हो आर्ट्रियम से वेंट्रिकल का. तो इस आर्ट्रियम से इस वेंट्रिकल जब जाएगा तो वेंट्रिकल से यहाँ बैकवर्ड फ्लो ना हो, इसलिए लगा होता है बाइकस्पिड वॉल्व. और यहाँ पर जब इस वेंट्रिकल से आर्ट्रियम जाएगा ब्लड तो आर्ट्रियम से बैकवर्ड ना है वेंट्रिकल में, इसलिए क्या लगा होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व. तो ये दोनों वॉल्व जो हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो एट्रियम और लेफ्ट और राइट एट्रियम और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में लगे होते हैं. ठीक है, तो ये वॉल्व जो है ये क्या इंश्योर करते हैं कि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो नहीं होना चाहिए. ठीक है, ब्लड का बैकवर्ड फ्लो नहीं होना चाहिए. फिर आते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, दीज आर लोकेटेड इन द आर्टरीज लीविंग द हार्ट. ठीक है, हमारे हार्ट से जो जो आर्टरीज बाहर जा रही होती हैं, ठीक है, जो जो आर्टरीज हमारे हार्ट से बाहर जा रही होती हैं वहाँ लगे होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स. क्या लगे होते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स. भाई आर्टरीज जो हैं, ठीक है, आर्टरीज से ब्लड जो है वो कहाँ जाता है? हार्ट से बाहर जाता है. ठीक है, हार्ट से बाहर जाता है आर्टरीज के थ्रू ब्लड, तो वहाँ पर ये वॉल्व सेमी ल्यूनर वॉल्व्स लगे होते हैं ताकि उस ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना हो हार्ट के अंदर. वो हार्ट से बाहर जा रहा है, बाहर से उसका अंदर बैकवर्ड फ्लो ना हो, इसीलिए सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं, ये काम करते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स. ठीक है, तो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स का ये काम हो गया. ठीक है, अब हार्ट के बारे में बात करेंगे कि भाई हार्ट जो है कैसे कंडक्ट करा रहा है, ठीक है, कैसे इम्पल्सेस जनरेट होती हैं. तो हार्ट किससे बना है? कार्डियक मसल से बना है. मैंने बताया स्पेशल टाइप के मसल्स है, कार्डियक मसल स्पेशल टाइप के मसल्स है, सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में हार्ट में ही क्या है कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये जो कार्डियक मसल्स हैं बच्चों हार्ट के अंदर, इनके पास क्या है? इनके पास एक प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी की और कंडक्टिविटी की. एक्साइटेशन यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं और उसको कंडक्ट कराते हैं पूरे हार्ट के अंदर. तो ये काम कार्डियक मसल स्पेसिफिकली करते हैं. सो व्हेन द कार्डियक मसल्स आर स्टिमुलेटेड बाय अ स्पेसिफिक स्टिमुलस, जब उनके अंदर किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस कोई इम्पल्स यानी स्टिमुलस कोई एक्टिविटी जनरेट होगी कार्डियक मसल में, स्टिमुलेट होगी कोई एक्टिविटी, तो ये एक्साइट हो जाएंगे. ठीक है, कोई एक्टिविटी होगी उनके अंदर मसल्स में तो ये क्या होंगे? एक्साइट हो जाएंगे एंड दे इनिशिएट, एक्साइट होंगे, इनिशिएट द वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक, क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वेव्स बनाएंगे. ठीक है, पोटेंशियल चेंज होगा तो पोटेंशियल की वेव्स बनेगी, तो यहाँ पोटेंशियल वेव्स बनेंगी, उनसे बनेंगे कार्डियक इम्पल्स. यानी कहीं पे स्टिमुलस जनरेट होगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा, तो बीच में कुछ पोटेंशियल होता है, तो बीच में जो पोटेंशियल होता है उस वजह से क्या होंगी? वेव जनरेट होंगी. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वेव की वजह से वेव जनरेट होंगी, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं इस तरीके से जनरेट होंगे. और यहाँ इन इम्पल्सेस को हम कार्डियक इम्पल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? कार्डियक इम्पल्सेस कहते हैं विच आर कंडक्टेड अलोंग द स्पेशल कार्डियक मसल फाइबर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द हार्ट चेम्बर. ठीक है, हार्ट के चेम्बर्स के जो वॉल्स हैं, वॉल्स हैं उनकी, यानी उनकी जो दीवारें हैं वॉल्स हैं हार्ट के चेम्बर्स की, वहाँ पर ये कार्डियक मसल्स जो हैं ये होती हैं और वहीं इनका क्या होता है कार्डियक मसल फाइबर्स के अंदर क्या होता है कार्डियक इम्पल्सेस जनरेट होते हैं. ठीक है, जब क्या होता है ब्लड अंदर आएगा और ब्लड बाहर जाएगा, यानी जब क्या होगा हमारे जो चेम्बर्स हैं उनमें ब्लड आएगा तो वो एक्सपैंड हो जाएंगे, बाहर जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे. तो इस वजह से क्या स्टिमुलस जनरेट होता है, कुछ एक्टिविटी होती है उन किसमें मसल्स में, कार्डियक मसल्स में, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है कुछ पोटेंशियल जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने लग जाते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू. ठीक है, यहाँ पर वो स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर जाते
जाते हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वही मेंटेन करते हैं एक्टिविटी को, किसके हार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं। अब बात करेंगे हम साइनो आर्ट्रियल नोड की, एसए नोड की, ठीक है। एसए नोड है, साइनो आर्ट्रियल नोड है, एसए नोड। अब ये जो एसए नोड है यहाँ से क्या होता है, जनरेशन शुरू होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस का। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेसमेकर, पेसमेकर यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यही जनरेट करती है। एसए नोड में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, इसको कहा जाता है पेसमेकर एंड इज द फर्स्ट टू ओरिजिनेट द कार्डियक इंपल्सेस। सबसे पहले कार्डियक इंपल्सेस यानी कार्डियक मसल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बन रहे हैं वो यहीं पे जनरेट होंगे, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट की रेट डिटरमाइंड होती है, हमारी हार्ट बीट की रेट डिटरमाइंड होती है कि भाई हमारा हार्ट, देखो नॉर्मल हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट क्या करता है, बीट करता है, ठीक है। तो क्या करता है, 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट जो है वो बीट करता है, ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट नॉर्मल हार्ट बीट करता है, ठीक है। और रेंज जो है बीटिंग की, जो रेंज है वो 60 से 100 होती है, 60 से 100 की रेंज होती है हार्ट बीट की, जिसमें 72 टाइम्स पर मिनट क्या है, पर मिनट क्या होता है, हमारा हार्ट इतने 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है, बीट करता है, सिग्नल्स जनरेट होते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। कितने कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन हो गए, एक बीट, ठीक है। वो लबडब साउंड होती है, बिल्कुल वो भी बताऊंगी लबडब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ 72 टाइम्स पर मिनट क्या है, हार्ट जो है वो बीट करता है, हार्ट बीट क्या है 72 टाइम्स पर मिनट यहाँ पे होती है, ठीक है, नॉर्मल हमारी, ठीक है, मतलब 72 टाइम्स, वन टाइम में एक कॉन्ट्रैक्शन एक क्या होगा एक्सपेंशन, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल सबसे पहले कहाँ जनरेट हुए, एसए नोड में, किसमें, एसए नोड में, साइनो आर्ट्रियल नोड के अंदर जनरेट होंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर आते हैं हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे, एवी नोड पे आता है सिग्नल, इट इज कॉल्ड पी सेटर, इट लाइज इन द राइट ऑट्रियम। ये क्या होता है, राइट ऑट्रियम होता है कुछ इस जगह होता है, ठीक है, ठीक है, एसए नोड के पास होता है, कुछ इस जगह होता है, तो इट इज कॉल्ड पेस सेटर, ठीक है। ये क्या करता है, पेस को सेट करता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसफर करेंगे, अगर एसए नोड फेल हो जाती है, अगर एसए नोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बनाने में फेल हो जाती है, तो इट इज द बैकअप। ये क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या है, एवी नोड एक बैकअप है, ये फिर क्या करेगा, ये पेस को जनरेट करेगा और सेट करेगा। तो इसको पेस सेटर कहा जाता है, ये एक तरीके का बैकअप हो गया अगर एसए नोड जो है वो काम करना बंद कर दे। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आता है बंडल ऑफ हिस्स, ठीक है, एवी बंडल जिसको हम कहते हैं, इट अराइजेस फ्रॉम एवी नोड, ये कहाँ से निकलेगा, एवी नोड से निकलता है, कुछ इस तरफ एवी नोड से निकलता है एंड डिसेंड्स इन द इंटरवेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम। यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम में आएगा, जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है दोनों राइट एंड लेफ्ट, यहाँ आता है एंड डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस में, जो कि दो साइड है, ठीक है, दो ब्रांचेस में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है एंड सप्लाई द वॉल ऑफ वेंट्रिकल ऑफ देयर ओन साइड बाय अ नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स कॉल्ड द परकिंजे फाइबर्स। तो यहाँ वेंट्रिकल्स में क्या होते हैं, दोनों तरफ परकिंजे फाइबर्स होते हैं, परकिंजे फाइबर्स। तो ये बंडल ऑफ हिस्स आके कहाँ खत्म होता है, परकिंजे फाइबर्स से, सिग्नल बंडल ऑफ हिस्स से ट्रेवल करता हुआ, एसए नोड, एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस्से ट्रैवल करता हुआ, यहाँ पे क्या होते हैं, परकिंजे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ क्या होते हैं, परकिंजे फाइबर्स होते हैं, तो परकिंजे फाइबर्स जो होते हैं वहां तक आते हैं। अब परकिंजे फाइबर्स जो हैं, परकिंजे फाइबर्स से, ठीक है, ये फाइबर्स का नेटवर्क है जो दोनों वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल चेंबर्स में होता है। तो ये परकिंजे फाइबर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये अब ट्रांसफर कर देंगे सिग्नल्स को हार्ट के दूसरे पार्ट्स के अंदर, ठीक है, बाकी के बचे हुए पार्ट्स में सिग्नल ट्रांसफर करेगा। तो सबसे पहले एसए नोड में पेसमेकर में जनरेट होता है सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कार्डियक इंपल्सेस, फिर कार्डियक इंपल्सेस जो हैं जो किस वजह से, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, चेंबर्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है,
जब ब्लड बाहर जाए, रिलैक्स होना, एक्सपैंड होना जब ब्लड अंदर आए, ठीक है। तो ऐसे नोड में वो कार्डियक इंपल्स जनरेट होते हैं जो आते हैं एवी नोड पर, ठीक है। तो एवी नोड जो है बैकअप है, अगर पेसमेकर यानी ऐसे नोड काम करना बंद कर दे, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो एवी नोड यानी पेस सेटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट कर सकता है। फिर आते हैं बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से ट्रैवल करते हुए जो कि डिवाइडेड होता है परकिंजे फाइबर्स में, यहाँ जो लेफ्ट हैंड वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में डिवाइडेड है, तो परकिंजे फाइबर्स में ये हो जाता है डिवाइड। फिर परकिंजे फाइबर्स हर्ट के बाकी जितने भी क्या है पार्ट्स हैं सब में कार्डियक इंपल्स को ट्रांसफर कर देता है। तो कुछ ऐसी ही क्या है साइकिल होती है जहां पे इस तरीके से ट्रांसफर होता है, इस साइकिल को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। ये भी मैं आपको बताऊंगी, स्पेसिफिकली बताऊंगी। तो आप बच्चों साइनो आर्टेरियल नोड जो है, ठीक है, साइनो आर्टेरियल नोड है, ऐसे नोड है या हम कह सकते हैं पेसमेकर, ये कहां लोकेटेड है, अपर वॉल ऑफ द राइट आर्टेरियम, राइट आर्टेरियम के बिल्कुल अपर वॉल पे ये क्या होती है प्रेजेंट होती है। ये कुछ पॉइंट्स है याद रखना है। द मसल फाइबर्स ऑफ हार्ट, हार्ट के जो मसल फाइबर्स हैं, ठीक है, हार्ट के जो मसल फाइबर्स हैं आर स्पेशलाइज्ड एट सर्टेन पार्ट्स, ठीक है, एंड जनरेट टाइनी इलेक्ट्रिकल करंट विच कॉज द नॉर्मल हार्ट बीट। बताया था मैंने क्या करते हैं, टाइनी इलेक्ट्रिकल करंट्स होते हैं यानी कार्डियक इंपल्सेस जनरेट करते हैं ये मसल्स, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट मेंटेन होती है। मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिपल्शन दैट इज वन हार्ट, ठीक है, तो ये वन बीट हो गई, तो हार्ट बीट इस तरीके से मेंटेन होती है, ठीक है। तो एट सर्टेन पार्ट जनरेट द इलेक्ट्रिकल करंट्स, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कार्डियक इंपल्सेस कार्डियक मसल्स के अंदर सर्टेन पार्ट्स पे डेवलप होते हैं, एंड तो जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल हार्ट बीट मेंटेन होती है। अब द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, ईसीजी मशीन जो है, ये डिवाइस है वो इन इलेक्ट्रिकल चेंजेस को, ठीक है, इन हार्ट बीट को क्या करती है, मेजर कर सकती है। दिस इज अ डिवाइस टू मेजर। देन जो एक्सपेंशन होता है आर्टरी का ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट, ये पल्स है भाई। पल्स का मतलब क्या है, सिग्नल पल्स जो बनती है हर बार जब आर्टरी के अंदर ब्लड फोर्स होता है, तो उसकी वजह से क्या बनती है, पल्स बनती है, ठीक है, पल्स बनती है। अब कार्डियक साइकिल क्या है, द सीरीज ऑफ इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। जब एक हार्ट बीट बनी यानी एक हार्ट बीट बनी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुए, किस वजह से, कॉन्ट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से, ठीक है, चेंबर्स के अंदर जो चेंज आ रहा है उसमें स्टिमुलस क्रिएट हो रहा है, कुछ स्टिमुलस क्रिएट होगा कार्डियक मसल्स में, तो कार्डियक इंपल्स जनरेट होंगे, वो ट्रैवल करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक हार्ट बीट, वन हार्ट बीट बनेगी। तो ये वन हार्ट बीट के दौरान इतनी सारी जो प्रोसेसेस होती हैं, ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। समझ आ गया है, कार्डियक साइकिल सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन पे चलते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या है, ठीक है, देखो सिंगल सर्कुलेशन का क्या है, ये एक डबल सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब, ठीक है, एक बस एक एक चीज एक काम होना, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना और जाना या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना और जाना, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। इन दोनों में से एक, दोनों एक साथ हो, ऑक्सीजनेटेड अंदर आए और डीऑक्सीजनेटेड भी आए और जाए, मतलब ऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है और जा रहा है हर चेंबर से और डीऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है और जा रहा है, एक ही टाइम पे हो रहा है दोनों काम, दैट इज द डबल सर्कुलेशन जो हमारे अंदर होता है, ह्यूमन हार्ट में होता है। डबल सर्कुलेशन में दो कॉम्पोनेंट्स हैं, पल्म्यूनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। दो सर्कुलेशन है, ये वाला ऑक्सीजनेटेड वाला जो साइड है ये पल्म्यूनरी में आ गया और ये आ गया सिस्टमैटिक में, ठीक है, ये वाला आ गया सिस्टमैटिक में, ठीक है। तो ये पल्म्यूनरी सर्कुलेशन होगा और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होगा, कैसे होगा अलग अलग बता देती हूँ बिल्कुल। देखो क्या होता है, डबल सर्कुलेशन में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारे लेफ्ट आर्टेरियम में, ठीक है, लेफ्ट आर्टेरियम में लंग्स के थ्रू क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन से। वेन्स क्या करती हैं, ब्लड लाने का काम। अब लेफ्ट आर्टेरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, ठीक है, लेफ्ट आर्टेरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, ठीक है, वॉल्व्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद कौन सा, यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है, क्या मिस्टल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व लगा होता है, ठीक है, तो बाइकस्पिड वॉल्व से यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी जो ऑर्टा है जो बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है, वो यहाँ से लेके जाएगी और बॉडी ऑर्गन्स को दे देगी, ठीक है, इतना काम हो गया। प्योरिफिकेशन साइड, ठीक है, प्योरीफाई हुआ, आया और बॉडी ऑर्गन्स चला गया। अब बॉडी ऑर्गन्स से वेना कावा, वेना कावा का क्या काम है, वेना कावा जो है
वो बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो बॉडी ऑर्गन से कहाँ लेके आती है, हमारे हार्ट तक, ठीक है, हमारे हार्ट तक लेके आएगी। तो यहाँ पे वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, कहाँ, हमारे लेफ्ट आट्रियम में वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा होगा राइट आट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, तो यहाँ राइट वेंट्रिकल जाएगा, राइट आट्रियम से राइट वेंट्रिकल क्या जाएगा, ब्लड जाएगा, ठीक है, ब्लड जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये यहाँ से जाएगा, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पल्मिनरी आर्टरी, यानी आर्टरी का काम होता है हार्ट से कहाँ बाहर लेके जाना ब्लड को, तो यहाँ पल्मिनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स पे लेके जाएगी, अब ये यहाँ प्योरीफाई होगी, सेम साइकिल होगी, तो यही साइकिल बार बार रिपीट होती है, ठीक है, दैट इज डबल सर्कुलेशन। तो पल्मिनरी सर्कुलेशन में क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट, ठीक है, टू दी लंग्स एंड बैक, ठीक है, टू दी हार्ट टू दी लंग्स एंड बैक, ठीक है, ये वाला जो है ये पल्मिनरी सर्कुलेशन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द बॉडी, बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ आता है, राइट आर्टरियल आर्टिकल में, राइट आर्ट्रियम में आता है, विच पम्प्स, ठीक है, एंड पासिस इंटू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, विच पम्प्स इट इंटू पल्मिनरी आर्टरी, जो पल्मिनरी आर्टरी से होता हुआ विद द हेल्प ऑफ टू सेपरेट पल्मिनरी आर्टरीज द ब्लड प्रोसेस into the lung, तो ये वाला जो process है that is called, ठीक है, that is called the pulmonary circulation, तो this process is called the pulmonary circulation. फिर दूसरा है systematic circulation, इसमें क्या होगा, it is a circulation of blood between heart and different parts, heart और different parts, ये वाला जो circulation है, इधर वाला तो था pulmonary, ये वाला जो circulation है that is systematic circulation, तो जब ब्लड जो है वो हार्ट और डिफरेंट पार्ट्स के बीच में क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, सर्कुलेट होगा, एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स की बात नहीं कर रहे, इसमें लंग्स नहीं आता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिसीव बाय लेफ्ट आर्टिकल, यहाँ पे लेफ्ट आर्टियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ठीक है, द लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स इट इनटू ऑर्ट्रा फॉर सप्लाई, अब ये इसको ऑर्ट्रा में सप्लाई कर देगा, ऑर्ट्रा जो है वो क्या करता है, ऑर्ट्रा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेके जाता है, हार्ट से लेके जाता है ऑर्गन्स तक, तो ये इट हेल्प्स दी वेंट्रिकल पम्प्स इनटू ऑर्ट्रा फॉर सप्लाई टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक चला जाएगा, इंक्लूडिंग वॉल्स ऑफ द हार्ट विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज, इंक्लूडिंग जो क्या है वॉल्स है हार्ट की, उनको भी ये ब्लड सप्लाई करता है, तो पल्मिनरी वाला सर्कुलेशन क्या था, पल्मिनरी सर्कुलेशन था यहाँ क्या होना, बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना और फिर यहाँ क्या राइट वेंट्रिकल में जाना, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स में जाके प्योरीफाई हो जाना, ठीक है, दैट इज द पल्मिनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है चेम्बर्स में आर्ट्रियम से वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हार्ट की वॉल्स में और बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, इतना हो गया सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो ये डबल सर्कुलेशन जो है, एक साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इन हो रहा है, ठीक है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड आ रहा है और जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड आ रहा है बॉडी ऑर्गन्स को जा रहा है, बॉडी ऑर्गन्स से डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है लंग्स को जा रहा है, फिर प्योरीफाई होके वापस, ये जो पूरी साइकिल है दैट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन, ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट है डबल सर्कुलेशन, मैंने बताया था इट इज द इम्प्रूवमेंट ओवर सिंगल सर्कुलेशन एज द हार्ट पम्प्स बोथ टाइप्स ऑफ ब्लड, दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो है वो पंप होता है, ठीक है, फ्रॉम द थ्रू द बॉडी, बॉडी के थ्रू आउट सर्कुलेशन होता है, क्या होता है भाई, यहाँ पे लंग्स से प्योरीफाइड बॉडी ऑर्गन से क्या होगा, जो गंदा खून होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो जाएगा राइट आट्रियम से राइट वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स तक, ये प्योरीफाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया पल्मिनरी सर्कुलेशन, ये प्योरीफाई हो जाएगा, फिर ये प्योरीफाइड ब्लड जो है ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या ऑर्ट्रा से होते हुए बॉडी ऑर्गन्स तक जाएगा और हार्ट की वॉल्स को भी ये जाएगा, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये हो गया सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दोनों सर्कुलेशन पल्मिनरी एंड सिस्टमैटिक मिला के करते हैं डबल सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सर्कुलेट हो रहा है साथ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सर्कुलेट है, यानी साफ ऑक्सीजनेटेड खून यानी साफ है और ये डीऑक्सीजनेटेड यानी गंदा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, दोनों सर्कुलेशन होते हैं, दोनों टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, तो इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। अब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन विच इट इज प्रेजेंट, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, ठीक है, जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जो क्या है,
क्या है, वॉल वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है, वो ब्लड उनकी वॉल्स पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर. ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. कितना हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड को पंप आउट कर रहा है, और कितना क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है यानी पंप इन कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर. देखो इन द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जब हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल्स से क्या हो जाएगा, दोनों वेंट्रिकल्स से, इधर से तो ऑक्सीजनेटेड यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से तो ऑक्सीजनेटेड बाहर जाएगा बॉडी ऑर्गन्स में, और राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड जाएगा लंग्स तक. तो ये जो प्रोसेस होती है कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, इसको कहते हैं सिस्टोलिक फेज. यहाँ जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिस्टोलिक फेज, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर गया और राइट वेंट्रिकल से बाहर, लेफ्ट से बाहर जाएगा, ठीक है, लेफ्ट से बाहर जाएगा और राइट से बाहर जाएगा, लेफ्ट से बाहर जाएगा कहाँ के लिए, बॉडी ऑर्गन्स के लिए, और राइट से बाहर जाएगा कहाँ के लिए, लंग्स के लिए. तो जब ये बाहर जाएगा तो वॉल्स क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं. तो लब साउंड जो होता है वो बंद होने की साउंड है, एक लब साउंड होती है, वॉल्व एकदम बंद होते हैं, तो बंद होते हैं तो कुछ फोर्स लगता है, एक साउंड क्रिएट होती है. तो ये सिस्टोलिक फेज में लब साउंड क्रिएट होती है. इट इज अबाउट 120 mm ऑफ एचजी. ये mm ऑफ एचजी क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर है ये, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है. तो ये क्या है, एक प्रेशर का यूनिट है, यानी हार्ट बीट जो है हम इसको मेजर करते हैं. तो 120 mm ऑफ एचजी है सिस्टोलिक फेज में, इतना प्रेशर 120 mm ऑफ एचजी प्रेशर क्रिएट करते हैं वो वॉल्व्स, ठीक है, चेंबर्स पे इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं सिस्टोलिक फेज में, इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन में जो प्रेशर होगा. दूसरा है इन द रिलैक्सेशन और डायस्टोलिक फेज, ठीक है, डायस्टोलिक फेज एंड रिलैक्सेशन. अब जब एट्रियम जो है, इधर लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स से, इधर राइट एट्रियम में क्या होगा, राइट एट्रियम में क्या होता है, ब्लड जाता है, कहाँ जाता है, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, कहाँ जाता है राइट एट्रियम से ब्लड, लंग्स को जाता है प्योरीफाई होने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड जो है. तो अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, और इधर राइट एट्रियम में आ रहा है. तो दोनों में जब आएगा ब्लड अंदर, तो ये रिलैक्स हो जाएंगे, एक्सपैंड होंगे, फैलेंगे, तो डायस्टोलिक फेज होगा. अब जब ये फैलेंगे, ठीक है, तो जब ये फैलेंगे तो इनके जब वॉल्व्स बंद हो जाएंगे, डब साउंड प्रोड्यूस होगा. जब वॉल्व्स बंद होते हैं तो एक डब साउंड प्रोड्यूस होता है, ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो ब्लड का. तो यहां जब वॉल्व्स बंद होंगे तो डब साउंड प्रोड्यूस होगा, लब और डब. और ये हो गया 180 mm ऑफ एज, यानी 80 mm ऑफ एचजी, यानी 80 mm ऑफ एचजी क्या है, प्रेशर, इतना प्रेशर क्या है, जनरेट होता है जब वॉल्व्स बंद होते हैं, जब डब साउंड प्रोड्यूस होती है, और इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. इसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर. तो लव और डब साउंड का मतलब समझ में आया होगा, लब साउंड डब साउंड, यानी एक हर्ट बीट, ठीक है, लब डब साउंड क्रिएट होती है. लब डब जिसको हम धक धक कहते हैं, एक्चुअली वो लब डब होती है बेटा, धक धक नहीं होती, लब डब होती है. दैट इज वन हार्ट बीट, ठीक है, वन लब एंड वन डब, वन सिस्टोलिक फेज एंड वन डायस्टोलिक फेज, दैट इज वन हार्ट बीट. अब बात करेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर की मैन के, तो वो होगा 120/80 mm ऑफ एचजी. कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोलिक फेज में 120 होता है, और डायस्टोलिक फेज में 80 mm ऑफ एचजी प्रेशर क्रिएट होता है. तो ब्लड प्रेशर जो है, ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ब्लड प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है लब डब साउंड की वजह से, वो 120/80 होगा नॉर्मल, किसका, नॉर्मल मैन का, जिसकी मान लो 20 ईयर्स एज है, तो नॉर्मल जो उसका ब्लड प्रेशर होगा वो 120/80 होता है. किसी किसी का ब्लड प्रेशर घटता है बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं नॉर्मल उनकी एक्टिविटीज के अंदर. तो यहाँ पर 120/80 mm ऑफ एचजी प्रेशर जो है, यानी हम कह सकते हैं ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल मैन का होता है, ठीक है. तो ये लब डब साउंड ऐसे प्रोड्यूस होती है, आई होप समझ गए हैं आप. और ब्लड प्रेशर जो है उसको हम स्पिग्मोमैनोमीटर से हम मेजर करते हैं. एक होता है डॉक्टर के पास डिवाइस, ठीक है, जिससे वो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं. आपने देखा होगा घर पे दादा दादी वगैरह का, ठीक है, ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं जब हम डॉक्टर से, तो वो एक क्या करते हैं, डिवाइस यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, उसको हम कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है. तो आई होप आप समझ गए हैं कि
क्या है ब्लड प्रेशर, क्या है, ठीक है। तो बस इतने ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने पढ़े आज, किसके बारे में, हार्ट के बारे में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है कि भाई हार्ट जो है वो क्या है, एक्चुअली हार्ट क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर कितने चेम्बर्स हैं, कितने वॉल्व्स हैं, क्या क्या काम करता है, क्या चेम्बर और क्या वॉल्व, ठीक है। जो वॉल्व्स हैं वो क्या काम करते हैं, चेम्बर्स क्या काम करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, कार्डियक इम्पल्सिस कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, कैसे हार्ट बीट यानी लपदप साउंड प्रोड्यूस होती है, कैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करता है। तो आई होप इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। आई होप कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से कर देंगे हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट थे इनको दिमाग में रखना है, ठीक है, अच्छे से समझना है, रिविजन करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से रिविजन करिए, ठीक है, और अच्छे अच्छे मार्क्स ले आइए। चलिए तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गुड लक, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।